नगर निगम परिसर में उस वक्त सियासत गर्मा गई जब भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने परिसर में बने एमआईसी भवन का लोकार्पण कर दिया। जब भाजपाई लोकार्पण करने पहुंचे तो नगर निगम प्रशासन द्वारा रोका गया, जिसके बाद भाजपाइयों ने भवन का ताला तोड़कर एमआईसी भवन का लोकार्पण कर दिया। रीवा की सियासत में यह पहला ही मामला होगा जब लोकार्पण के लिए ताला तोड़ना पड़ा है। लोकार्पण के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मैंने भूमि पूजन और लोकार्पण बेहिसाब किए, मगर ऐसा लोकार्पण का पहला मामला है। इस दौरान तमाम भाजपा के नेता उपस्थित रहे थे। वहीं नगर निगम कमिश्नर सभाजीत यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए साफ कर दिया है कि ताला तोड़कर लोकार्पण किया गया है, इस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। रहीम खान जी, एमआईसी भवन का लोकार्पण होता है और वहां ताला तोड़कर अगर लोकार्पण किया जाता है तो सवालिया निशान तो उठ ही जाते हैं और दो पक्ष अब आमने सामने हो गए। अधिकारी का कहना यह है कि हम उस पर शिकायत दर्ज करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, वहीं राजनीतिक रसूखदार ताला तोड़कर लोकार्पण करते हैं। पूरा मामला स्पष्ट कीजिए। सर, एमआईटी नगर निगम आयुक्त कमिश्नर सभाजीत यादव जी का कहना है जी कि अभी भवन पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भवन बंद था उसका ताला तोड़कर जिला सांसद रीवा उन्होंने उसका फीता काट के उद्घाटन कर दिया और वहीं पे पूर्व मंत्री अजन शुक्ला, सिमरिया विधायक आपके केपी त्रिपाठी, महापौर आशा गुप्ता, ये सभी मौजूद थे और वहाँ पे काफी तनाव की स्थिति भी थी जी। लेकिन इसमें साफ तौर पर नहीं देखा जाता कि अगर उनके विधायक होते हैं, अगर उनके सांसद होते हैं, अगर उनके नगर परिषद में सदस्य होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ताला तोड़ के लोकार्पण कर दिया जाए। कोई लोकार्पण का ऐसा वो था नहीं। वहाँ के जो कमिश्नर सभाजीत यादव जी का कहना था कि हाँ। अभी ऐसा कुछ नहीं। रहीम जी जानना आपसे ये चाहते हैं, क्या किसी के अगर जनप्रतिनिधि सदस्य होते हैं, किसी भी दल के हों, अगर भाजपा के जनप्रतिनिधि सदस्य वहां पर हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, नगर परिषद में सदस्य हो, अध्यक्ष हो, तो इसका मतलब यह होता है कि ताले तोड़कर लोकार्पण कर सके वो? क्या इसकी छूट मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है ना? और यही देखने वाली बात है कि उद्घाटन करने की होड़ भी हो गई और इस समय नगर निगम अपने उसको लेकर सुर्खियों में रहता ही है। तो मिला के तो ये कहता है कि राजनीतिक रसूखदारों ने अपना रसूख का प्रयोग किया है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लोकार्पण की तो मेरे को कोई जानकारी इस रूप में नहीं है। कल शाम को 6:30 बजे एक पत्र जरूर हमारे अध्यक्ष का मिला था, तो उन्होंने कहा, तो हमने उनको अवगत कराया कि भाई अभी तो ये भवन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसमें ना तो इलेक्ट्रिक का काम हुआ और न फर्नीचर का काम हुआ, सिविल वर्क भी अभी अधूरा है। भवन तो अभी संविदाकार के पास है, अभी उसको पहले कंप्लीट करेगा, फिर हैंडओवर करेगा, वो पूर्ण होगा, इसके बाद लोकार्पण की बात हो सकती है। इसके पहले लोकार्पण की उन्होंने मुझसे कहा भी कि अच्छा ठीक है। अभी वहाँ कैंपस में सुंदरकांड का पाठ वगैरह हो रहा है, चर्चा है कि लोकार्पण का भी कार्यक्रम होगा, लेकिन भवन पे लॉक लगा हुआ है, क्या मानते हैं आप? अब ये बताएं कि अगर कोई वहाँ पर कुछ कर रहा है तो अपनी जिम्मेदारी के साथ जो भी आदमी करेगा, कोई भी कार्य करेगा, उसका सब कुछ सुनिश्चित है, कर्तव्य अधिकार। तो अगर कोई आदमी जो भी कर रहा है वो अपना अधिकार समझ करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा होगा, तो उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। आपको क्या लगता है सर, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं लोकार्पण के लिए? अब ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है, मैं क्या बताऊं इसमें। सर, प्रशासन की तरफ से भी बल और तहसीलदार वगैरह मौके पर हैं, क्या मानते हैं सुरक्षा? इनको अवगत हमने करा दिया था, हमने कलेक्टर को भी और ESP को भी अवगत कराया था कि ऐसी मेरे को भी मतलब इसी तरीके से उड़ती फड़ती खबरें आ रही थी कि नहीं इसके बाद भी वो कोई कुछ करना चाहता है, तो मैंने कहा भी ठीक है, प्रशासन का काम है प्रशासन देखे, पुलिस का काम है पुलिस देखे, हमारा काम है हम देख रहे हैं। यदि इसके बाद भी कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज, जैसे भवन पे ताला बंद है, अगर खोला जाता है उसके लिए, तो फिर
नगर निगम उसमें क्या कदम? देखिए, परिकल्पनाओं पर कोई कमेंट नहीं करते। जब कुछ होगा, जो भी घटित होगा, कानून और नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। नगर निगम के अध्यक्ष हैं और नगर निगम का आयुक्त और उनके अधिकारी, जो सामान्य शिष्टाचार होता है, जो लोकतंत्र में जिसका प्रावधान है, जब उसका पालन नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से होगा। क्या मतलब, क्या कारण है इस तरह का करना, मानित करना? जब मानसिक रूप से असंतुलित अधिकारी कुर्सी में बैठ जाते हैं तो इसी प्रकार की हरकत करते हैं, उनको फिर जनता ठीक करती है। उनका कहना था कि अधूरा है, अभी काम चल रहा है। एक हफ्ते पहले एक हफ्ते पहले इसका उद्घाटन प्रदेश सरकार के मंत्री को बुला के करने की तैयारी, जब यह अधूरा था तो क्यों की गई थी? और उस कार्ड में हम लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा था कि मंत्री आ रहे हैं, परिषद कार्यालय का उद्घाटन है, आपको आना है, तो हम लोग तो एक हफ्ते बाद कर रहे हैं। इसके पहले निर्दलीय पार्षद भी करके चली गई लोकार्पण। तो यही होगा, जब कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार में जब विकास के कामों के साथ भद्दा मजाक किया जाएगा तो फिर यही होगा। क्या मानते, जो पहले से लोकार्पण से भवन बन रहे थे भाजपा शासन काल में, कांग्रेस उनका लोकार्पण करके अपना नाम पट्टिका लगाना चाह रही है? जब आप सब जानते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं?